Hello kids, good morning. How are you all? Fine? Okay. Today we will do the activity in the My Red Drawing Book. Okay? So open the index page and here you have to write the date with the help of your parents, and here you have to write triangle. Your parents will help you to write it, okay? आपके मम्मी पापा हैं ना, आपको हेल्प करेंगे ये लिखने के लिए, ओके? टी आर आई एन जी एल ई ट्रायंगल, ओके? नाउ ओपन द ब्लैंक पेज, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर डेट डे एंड हियर ट्रायंगल टी R I A N G L E triangle. Okay. Now what you have to do? You have to take a scale and then you have to draw line, slipping line. Okay. In your language. Slipping line in the middle of the sketchbook. Okay, now we have drawn a line. Now what you have to do? पहले line slipping line कर ली, उसके बाद ये दोनों line के बीच में यहाँ पर यहाँ ऊपर में एक dot करना है. क्या करना है? Dot. Okay, हो गया dot. अब ये point से ये line को left slanting line करेंगे और इधर राइट स्लैंटिंग लाइन करेंगे. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम हियर आल्सो स्लैंटिंग लाइन. ओके, नाउ ये क्या हो गया? ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल. ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कलर फिल अप करेंगे. ओके, तो सबसे पहले ऑरेंज कलर के अंदर ऑरेंज कलर फिल अप करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, दिस लाइन यू विल कवर अप द लाइन फर्स्ट. ओके, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये कलर जो है लाइन के बाहर निकलना नहीं चाहिए. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, स्लोली स्लोली धीरे धीरे कलर करना है, क्योंकि ये लाइन के बाहर कलर निकलना नहीं चाहिए. ओके, पहले ये जो लाइन है ना, लाइन के साइड में सब ऐसे कलर कर लेंगे. क्यों? क्योंकि कलर बाहर निकले नहीं. ओके, एकदम धीरे धीरे करना है. आप जल्दी जल्दी करने जाएंगे तो कलर बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, धीरे धीरे कलर फिलअप करना है. और धीरे धीरे कलर फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छा कलर फिलअप होगा और पिक्चर जो आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो बहुत अच्छा दिखेगा, है ना? हम लोग कैसा काम करना चाहिए? अच्छा काम, अच्छा दिखेगा ऐसा काम करना चाहिए. ओके, नाउ इसके अंदर आप फिलअप कर सकते हैं ऐसे. कलर बाहर निकलना नहीं चाहिए, लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए. ओके, नाउ यू हो गया कलर फिलअप. हाँ, हो गया ना. ऐसे आपको कलर फिलअप करना है. कलर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा? ब्लैक कलर से बाउंड्री बनानी है. इसे जो यह लाइन है ना, उसे बाउंड्री कहते हैं, इसलिए उसके ऊपर ये ब्लैक कलर से आपको बाउंड्री बनानी है. ओके, ये भी स्लोली स्लोली आपको करनी है. ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल. और ट्रायंगल बनाने के बाद
इसमें कलर फिलअप करके बाउंड्री बनानी है। ओके, आगे बात समझ में? अच्छा लगा आप लोगों को पिक्चर? ओके, थैंक यू।